हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राय क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सॉलिड स्टेट, दैट इज द सेकेंड लेक्चर। बच्चों, आज हम सेकेंड लेक्चर में कुछ ट्रिक देखेंगे कि जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम है वो कैसे हम याद करें। पैरामीटर्स उसके जो है, जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोराम्बिक है, इन सब का बेटा आपसे पैरामीटर्स पूछा जाता है कि इनके प्रिमिटिव और इंटरफेसियल एंगल का क्या कंडीशन है। तो आज हम लोग एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे हमें ये जल्दी से याद हो जाए और हमें परेशानी भी ना हो, बहुत जल्दी हमें याद हो जाएगा। तो आइए क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पैरामीटर जानने से पहले हम इसके कंपोनेंट को जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो बेटा, सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द लैटिस पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कि ये लैटिस पॉइंट क्या है। बेटा, अगर लैटिस पॉइंट को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो कि द प्लेस कवर्ड बाई, द प्लेस कवर्ड बाई एटम्स, आयन्स आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस पॉइंट। जैसे बेटा, अगर हम किसी क्रिस्टल को देखें तो उस क्रिस्टल में क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट मीन्स, यानी ये प्लेस जो होता है जिस पे एटम बैठते हैं या आयन बैठते हैं या मॉलिक्यूल्स बैठते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर कंपोनेंट की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहला आता है लैटिस पॉइंट, और जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि द प्लेस कवर्ड बाय एटम्स, आयन्स आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्लियर डैट? जैसे बेटा, अगर हम NaCl की क्रिस्टल की बात करें, NaCl क्रिस्टल की, तो देखेंगे इस पॉइंट पे Na बैठ रहा है तो यहाँ पे Cl बैठ रहा है, यहाँ Na बैठ रहा है तो यहाँ Cl बैठ रहा है। तो ऐसे देखेंगे बेटा कि जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, एटम्स बैठ रहे हैं या फिर आयन्स बैठ रहे हैं, तो डैट इज नोन एज द लैटिस पॉइंट। तो डैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सेकेंड इज द स्पेस लैटिस। द सेकेंड इज द स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस को कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो बेटा। स्पेस लैटिस, इट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। स्पेस लैटिस की बात आएगी तो आप बोलेंगे इट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स आर मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट इज नोन एज स्पेस लैटिस। फिर सुन लो बेटा, स्पेस लैटिस क्या है, इट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन्स आर मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट इज नोन एज द स्पेस लैटिस। इट इज क्लियर? थ्री डायमेंशन की बात हम करेंगे। एंड थर्ड वन, जो थर्ड कंपोनेंट है बेटा, जो थर्ड कंपोनेंट है उसकी हम बात करेंगे, एंड दैट इज द यूनिट सेल। दैट इज द यूनिट सेल। जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारा है यूनिट सेल। यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट सेल का मतलब क्या है बेटा, जैसे किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे इस बिल्डिंग की बात करें बेटा, इस बिल्डिंग की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, एक ब्रिक होगा, एक ईंट होगा। तो उसी तरह से बेटा, क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, जिसको बार बार रिपीट करके आप क्या करते हो, पूरे क्रिस्टल को तैयार करते हो, उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट सेल को, यूनिट सेल इज द थ्री डायमेंशनल पोर्शन विच गिव द
एंटायर क्रिस्टल विच गिव द एंटायर क्रिस्टल व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन व्हेन रिपीटेड अगेन एंड कंप्लीट एंड गिव द कंप्लीट क्रिस्टल दैट इज द यूनिट सेल. क्लियर आर नॉट क्लियर? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल थ्री डायमेंशनल पोर्शन है क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन का, या कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस का. क्या बोलेंगे? यूनिट सेल इज द थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल लैटिस. व्हेन इट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट गिव्स द कंप्लीट क्रिस्टल दैट इज नोन एज द यूनिट सेल. बेटा किसी भी क्रिस्टल का जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको आप बार बार रिपीट करके पूरे क्रिस्टल को तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? यूनिट सेल. तो ये तो हो गया तीन कंपोनेंट आपको मिले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के. ये थ्री कंपोनेंट्स हैं बेटा, इनको याद रखेंगे, लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल. ये तीन हम लोग कंपोनेंट जान गए कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं. लैटिस पॉइंट फिर से सुन लीजिए, लैटिस पॉइंट क्या है? द प्लेस कवर्ड बाई एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज द लैटिस पॉइंट. ओके, एंड सेकेंड इज द स्पेस लैटिस. इट इज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस आर मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल डेट इज नोन एज द स्पेस लैटिस. एंड थर्ड वन द यूनिट सेल. इट इज द थ्री डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पोर्शन. इट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन आर क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन गिव द कंप्लीट क्रिस्टल डेट इज नोन एज द यूनिट सेल. तो ये बेटा तीन कंपोनेंट थे जिसकी डिफिनेशन आप जान गए. अब हम लोग बात करेंगे इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के यानी पैरामीटर्स की बात करेंगे कि यूनिट सेल जो हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो यूनिट सेल है उसके पैरामीटर्स कौन कौन हैं. तो अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करें बेटा, क्रिस्टलाइन यानी यूनिट के पैरामीटर्स की अगर बात करें तो क्या क्या मिलता है जरा देख लो. अगर हम ये फिगर ड्रा करें, अगर ऐसे ड्रा करें बेटा दिस वन, और इसको अगर हम ओ दे दें सेंटर को, इसे हम एक्स दे दें, इसे वाई दे दें और इसे जेड दे दें. तो ये जो डिस्टेंस है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड डैट इज नोन एज द क्रिस्टलोग्राफिक डैट इज नोन एज द क्रिस्टलोग्राफिक. तो क्रिस्टलोग्राफिक्स में क्या क्या आ जाएगा? ओ एक्स आ जाएगा, ओ वाई आ जाएगा एंड ओ जेड आ जाएगा. दूसरी बात हम करेंगे बेटा अगर इसके प्रिमिटिव की, अगर इसके हम इंटरसेप्ट की बात करें तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी और ये आपका सी. एंड दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव ए बी एंड सी. एंड थर्ड इज द, अगर हम इसके बीच के एंगल की बात करें बेटा तो ये जो एंगल होगा डैट इज द अल्फा, ये जो एंगल होगा डैट इज द बीटा और ये जो एंगल होगा डैट इज द गामा. एंड दैट्स एंगल्स इज नोन एज द इंटरफेशियल एंगल. इंटरफेशियल एंगल क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा. तो बेटा अगर हम यूनिट सेल के पैरामीटर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे सिक्स पैरामीटर्स हैं. कौन कौन हैं? ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा. दीज आर द सिक्स पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल. तो बेटा आज हम लोग आपको बोले कि ट्रिक आपको बताएंगे इस पैरामीटर्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा के बेस पे देखा गया कि हमें सेवन क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, यानी बेटा सेवन टाइप्स के क्रिस्टल मिलते हैं जिनका हम पैरामीटर्स देखेंगे कि क्या कंडीशन है, पैरामीटर्स का क्या कंडीशन है. इसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे और इसको आसानी से याद कर लेंगे. तो चलिए अब हम बात करेंगे
क्रिस्टल सेवन क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। सेवन क्रिस्टल सिस्टम की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए सिस्टम की, लिख दीजिए कि डेट इज द सिस्टम। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रीमिटिव प्रीमिटिव, और यहाँ लिख दीजिए आप इंटरफेशियल एंगल, और लास्ट आप लिख दीजिए बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम का, प्रीमिटिव्स का देखेंगे बेटा, और हम उसका इंटरफेशियल एंगल देखेंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आज देखेंगे, और आपको ये हम ट्रिक देंगे कि कैसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बहुत आसानी से ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो इंटरफेशियल एंगल है या प्रिमिटिव है ये आपसे जेई मेंस नीट में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना याद करना ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे सी टी ओ टी, सी टी ओ टी याद करो बेटा, सी टी ओ टी। उसके बाद लिख दो एच एम एंड टी, याद हो गया होगा क्या है सी टी ओ टी एच एम टी, सी टी ओ टी एच एम टी। ये है बेटा, ये आपके सेवन क्रिस्टल्स हैं। सी का मतलब है बेटा क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक क्रिस्टल। सेकेंड जो आपका आता है वो आता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। वो जो आता है इसका मतलब होता है आर्थोराम्बिक, आर्थोराम्बिक। टी का मतलब है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। एच का मतलब है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एम इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और टी इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये आपके हैं बेटा क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये हमारे हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज द सेवन क्रिस्टल सिस्टम, जो आपको याद करना है। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्यूबिक का, बात करने जा रहे हैं। तो क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो इसके सभी प्रिमिटिव यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, याद करना बेटा, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। क्यूबिक के क्या होते हैं बेटा, तीनों इक्वल होते हैं। टेट्रागोनल में आ जाओ, टेट्रागोनल में अगर आते हैं बेटा, टेट्रागोनल में तो अब यहाँ पे तीन इक्वल हो गए, ये ट्रिक है बेटा, ये यहाँ पे तीन इक्वल हो गए तो इस बार क्या होंगे, दो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा। यानी ए एंड बी तो इक्वल होगा बट सी इज नॉट इक्वल। आर्थोराम्बिक जो थर्ड है बेटा, पहले में क्या है तीनों इक्वल हैं, अब क्या हुआ दो इक्वल हैं, अब तीसरे में क्या बनता है बोलो जल्दी से, तीसरे में बनता है कि कोई भी इक्वल नहीं है। तो बेटा ये आपको याद हो गया, ये तीन इक्वल दिख रहे हैं, याद करना है आपको। अगर ये लाइन से याद कर लिए सी टी ओ टी एच एम टी, सी टी ओ टी एच एम टी, अगर ये याद हो गया तो यहाँ से बोल दोगे कि सर पहले वाले में क्या होगा क्यूबिक में तीनों इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और आर्थोराम्बिक में क्या होगा कोई इक्वल नहीं होगा। तो बेटा इक्वल हो गया, दो इक्वल हैं, कोई भी इक्वल नहीं है, अब किसका नंबर आएगा फिर इक्वल का आएगा। तो ट्राइगोनल में आएंगे अगर तो इसमें आपको सभी साइड इक्वल मिलेंगे, जब ट्राइगोनल में आएंगे तो सभी साइड क्या होंगे इक्वल मिलेंगे। अब हेक्सागन में आएंगे, हेक्सागोनल में तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, फिर वही बात आ गया बेटा, यहाँ पे तीन इक्वल हो गए अब दो इक्वल हो गए। अब मोनोक्लिनिक आ गया, मोनोक्लिनिक का मतलब
यहाँ पे कोई इक्वल नहीं होगा। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर से याद हो गया है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, यहाँ पे दो इक्वल हैं, यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं। फिर शुरू करेंगे, तीनों इक्वल हैं, दो इक्वल हैं और कोई इक्वल नहीं है। ट्राई क्लिनिक की बात करेंगे बेटा, तो ट्राई क्लिनिक भी क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता इसका कोई भी साइड। ये तो सबसे बड़ा अनसिमेट्री है, इसका तो कुछ भी इक्वल नहीं होता, इवन इंटरफेशियल एंगल भी इक्वल नहीं होता। तो ये ट्रिक से बेटा आपको प्रिमिटिव याद हो गया, आपको इसके इंटरसेप्ट याद हो गए कि अगर क्यूबिक का पूछा जाए तो सभी इसके इक्वल हैं, टेट्रागोनल के ए और बी इक्वल होंगे, आर्थोराम्बिक के कोई इक्वल नहीं होगा, ए बी सी में कोई इक्वल नहीं होगा। तो बेटा ये याद हो गया। अब आ जाते हैं इंटरफेशियल एंगल पे। इंटरफेशियल एंगल की अगर बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्यूबिक में सभी एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सभी इक्वल होते हैं बेटा, बिल्कुल याद रखेंगे। टेट्रागोनल में आएंगे, यहाँ पे भी क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बेटा ये भी सेम है, याद हो जाएगा। आर्थोराम्बिक में आएंगे तो यहाँ पे भी बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा ट्राइगोनल में आएंगे, ट्राइगोनल में अगर आते हैं, ट्राइगोनल में तो देखते क्या है कि यहाँ भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। बेटा इसमें अल्फा बीटा गामा जो तीनों इंटरफेशियल एंगल हैं वो इक्वल तो होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा कि अल्फा और बीटा इक्वल होता है 90 के, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। अब आ जाइए मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में क्या होता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, लेकिन इसका बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। और ट्राई क्लिनिक की बात करेंगे बेटा तो ये अनसिमेट्रिक होता है, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता और ना कोई भी एंगल इक्वल होता है। कोई भी एंगल अगर लेंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, तो देखेंगे बेटा ट्राई क्लिनिक की अगर बात करेंगे तो ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, कोई भी इक्वल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये रहा ट्रिक बेटा, आप याद कर लोगे। अगर प्रिमिटिव की बात करनी, इस इंटरसेप्ट की बात करनी है तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सर यहाँ पे तीन इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, एक भी इक्वल नहीं। फिर शुरू हो जाएगा, तीन इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, एक भी इक्वल नहीं है। और ट्राई क्लिनिक की बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये तो अनसिमेट्रिक होता ही है, इसका तो कुछ भी इक्वल नहीं होता, ना तो ए बी सी इक्वल होता है, ना अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है और ना ही 90 के इक्वल होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें बेटा, एग्जाम्पल की जरा बात कर लें कि ये कहाँ मिलता है। तो क्यूबिक का अगर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप NaCl दे सकते हैं, KCl दे सकते हैं, ZnS दे सकते हैं, ये पाया जाता है। टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल की बात करें अगर हम अगर तो ZnO2 मिलता है बेटा, SnO2 मिलता है, आप टेट्रागोनल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आर्थोराम्बिक में आ जाइए बेटा, आर्थोराम्बिक में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको सबसे पहले तो राम्बिक सल्फर मिल जाता है, राम्बिक सल्फर मिल जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो BaSO4 मिल जाता है, BaSO4, CaSO4, ये सभी जो हैं किस में आते हैं, आर्थोराम्बिक में आते हैं। ट्राइगोनल में आएंगे, अगर ट्राइगोनल में आएंगे तो आपको मिल जाएगा NaNO3 आ जाएगा या फिर ICl मिल जाएगा। अब आते हैं हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में अगर आते हैं तो आपको हेक्सागोनल तो पहले मालूम है आपको ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको याद है कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होता है बेटा। इसके बाद आप दे सकते हो HGS, दे सकते हो। इसके बाद आ जाइए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आएंगे तो इसमें भी एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा, Na2SO4
इंटू टेन एच टू ओ हो जाएगा, इसके साथ ही सी एस ओ फोर इंटू टू एच टू ओ हो जाएगा। और अगर ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं, ट्राई क्लिनिक की, तो ट्राई क्लिनिक में देखेंगे बेटा, यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा के टू सी आर टू ओ सेवन हो जाएगा, एस थ्री बी ओ थ्री हो जाएगा, या सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ हो जाएगा। तो ट्राई क्लिनिक का याद रखेंगे बेटा कि ट्राई क्लिनिक के ये एग्जाम्पल है। तो डेट इज़ द ट्रिक, आप इस पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स के बेस पे जो आपको सेवन क्रिस्टल सिस्टम है वो बड़े आसानी से आप याद कर लेते हो कि क्यूबिक का क्या कंडीशन है, इस ट्रिक को याद करेंगे। और एक और ट्रिक आपको बता दें बेटा, अगर प्रिमिटिव की बात करो तो क्यूबिक के सभी साइड इक्वल होते हैं, और इसके बाद जितने में भी आई सी आते हैं, इक आता है, जैसे आर्थोराम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, अगर इनको देखेंगे तो इनका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? तो डेट इज द बेटा, डेट इज द सेवन क्रिस्टल सिस्टम जिसको आपको याद करना है। और इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, आसानी से याद कर लेंगे, प्रिमिटिव को बता देंगे थ्री टू नो, यहाँ पर यानी एक भी नहीं, और यहाँ पे भी थ्री टू एक भी नहीं, आप आसानी से बता सकते हैं। अब ये हमें जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम मिले बेटा, इस सेवन क्रिस्टल सिस्टम को एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रेविस, ब्रेविस साहब ने सिस्टम दिया जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेविस सिस्टम, आपसे पूछता है, या ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ब्रेविस साहब ने, जो कि फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ब्रेविस लैटिस दिया और बोला, क्या बोला, कि जो क्रिस्टल्स हैं बेटा, जो अभी आप सेवन टाइप्स के क्रिस्टल देखे हैं, जैसे पहला आप क्या देखे थे, पहला आप क्यूबिक देखे थे, दूसरा आप क्या देखे थे, सीटी, आपको फिर वही टिक लगाना है, सीटी ओटी एच एम टी क्यूबिक, इसके बाद क्या था, टेट्रा गोनल, आर्थोराम्बिक ट्राई गोनल, हेक्सा गोनल, एम से क्या था, मोनोक्लिनिक, और टी से क्या था, ट्राई क्लिनिक। तो इनके भी टाइप्स मिले बेटा, इनके भी क्या हुआ, टाइप्स मिला। जब यहाँ पे बात किया गया तो देखा क्या गया, क्यूबिक जो है, जो क्यूबिक है इसके थ्री टाइप्स होते हैं, क्यूबिक के थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन थ्री टाइप्स होते हैं इसकी भी बात कर दें हम, थ्री टाइप्स होते हैं क्यूबिक का, कि इसमें जैसे पहला आता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी एंड एफसीसी, ये तीन इसमें आते हैं बेटा। यानी क्यूबिक क्रिस्टल की बात अगर आप करेंगे तो इसके भी टाइप्स मिलेंगे, एंड दैट इज द सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। तो ये थ्री टाइप्स के हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं क्यूबिक के। किसने दिया, ब्रेविस साहब ने दिया, किसने दिया, ब्रेविस, और इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं क्या, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि ये जो सेवन टाइप्स के क्रिस्टल हैं, सी टी ओ टी एच एम टी, ये क्या होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक थ्री टाइप्स का होता है, सिंपल, बी सी सी और एफ सी सी। टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल की, तो बेटा ये टू टाइप्स होता है। कौन कौन होता है, सिंपल होता है और बी सी सी होता है। वहीं हम आर्थोराम्बिक की बात करें बेटा, तो ये फोर टाइप्स का होता है। कौन कौन, ये सिंपल भी होता है, बी सी सी, एफ सी सी और इंड सेंटर्ड भी ये होता है। तो इंड सेंटर्ड ये आपको मिलता है। ट्राइगोनल की बात करें, ट्राइगोनल की अगर हम बात करें तो ये वन टाइप्स का होता है, डेट इज़ द सिंपल, या हम सिंपल को प्रिमिटिव भी कहते हैं। हेक्सागोनल की बात करें बेटा, ये भी वन टाइप होता है,
एंड दैट इज ऑल्सो सिंपल। मोनोक्लिनिक की बात करें तो ये दो होता है बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक तो सिंपल होता है और दूसरा इंडसेंटर्ड होता है। दूसरा क्या होता है? इंडसेंटर्ड होता है, इंडसेंटर्ड होता है। तो ये दो टाइप्स इसके मिल जाते हैं। वही ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वन होता है एंड दैट इज द सिंपल आर प्रेविटी। तो टोटल अगर देखेंगे बेटा, अगर टोटल देखेंगे ये सभी को, तो टोटल आपको 14 टाइप्स से मिलते हैं। टोटल आपको 14 टाइप्स के मिलते हैं। तो ये जो 14 टाइप्स के मिले हैं क्रिस्टल आपको 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, इन सभी को, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, दैट इज द ब्रेविस लैटिस। क्लियर है बेटा? ये जो 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं, 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल है जिसे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोले थे, इनके भी टाइप्स होते हैं। क्यूबिक का क्या होता है? 3 होते हैं। टेट्रागोनल के 2 होते हैं। आर्थोराम्बिक के 4 होते हैं। ट्राइगोनल के 1 होते हैं। हेक्सागोनल के 1 होते हैं। मोनोक्लिनिक के 2 होते हैं और ट्राइक्लिनिक के 1 होते हैं। तो टोटल अगर सम करोगे बेटा तो 14 टाइप्स के क्रिस्टल मिलेंगे एंड दैट इज नोन एज द ब्रेविस लैटिस। तो क्लियर हो गया बेटा कि ब्रेविस लैटिस क्या है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये जो टाइप्स है, सिंपल है, बीसीसी और एफसीसी है, इस टाइप्स को, यानी सिंपल हम किसको बोलेंगे, बीसीसी किसको बोलेंगे, एफसीसी किसको बोलेंगे, इंड सेंटर किसको बोलेंगे, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। सबसे पहले हमने क्या आपको बताया? सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करने हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट को देख लें कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो हमें उसके 3 कंपोनेंट मिले। देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। द फर्स्ट इज द लैटिस पॉइंट। पहला क्या मिला? लैटिस पॉइंट मिला। दूसरा जो मिला वो क्या था? स्पेस लैटिस था, या क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। और थर्ड जो था वो यूनिट सेल था। और यूनिट सेल पे ही हम पूरी बात किए कि यूनिट सेल का हम लोग उसके पैरामीटर्स का करेक्टरिस्टिक्स देखे। तो 6 पैरामीटर्स हमको मिले। कौन कौन मिला? ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। ए बी सी क्या था? प्रिमिटिव था, जिसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और हमें अल्फा, बीटा, गामा मिला। तो अल्फा, बीटा जो गामा है वो हमारा क्या था? इंटरफेसियल एंगल था। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं और 6 पैरामीटर्स के बेस पे हम देखें क्या कि 7 टाइप्स के क्रिस्टल हमें मिले। 7 टाइप्स के क्रिस्टल मिले और उन 7 टाइप्स के क्रिस्टल को बड़े आसानी से हम ट्रिक के द्वारा याद कर लिए। कौन कौन था? तो CTOTHMT यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। उसके बाद हमने क्या देखा कि ब्रेविस लैटिस की बात आई। ब्रेविस लैटिस क्या? तो हमने आपको बताया कि एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, डेट्स नेम इज व्हाट? ब्रेविस। ब्रेविस साहब ने ये दिया कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे क्यूबिक का 3 टाइप्स बोला, टेट्रागोनल का 2 टाइप्स बोला, आर्थोराम्बिक का 4 टाइप्स, ट्राइगोनल का 1, हेक्सागोनल का 1, मोनोक्लिनिक का 2 एंड ट्राइक्लिनिक का 1। तो टोटल को जब सम किया तो 14 टाइप्स के क्रिस्टल मिले और इस 14 टाइप्स के क्रिस्टल को नाम दे दिया गया या बोला गया डेट इज द ब्रेविस लैटिस। क्लियर है? अब आपको हम ये बता दें कि ये जो नाम लिया गया कि इतने टाइप्स के हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी या सिंपल इंड सेंटर्ड, तो ये क्या है? आइए हम इसको आपको समझा देते हैं कि ये कौन कौन से क्रिस्टल हैं। इसकी बात हम लोग कर लिया जाए कि कौन कौन से क्रिस्टल हैं। हम किसको जो है, हम किसको सिंपल बोलेंगे, किसको हम जो है बीसीसी बोलेंगे, किसको हम एफसीसी बोलेंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ से आइए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किसका क्या कंडीशन है, हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो चलो बेटा, अगर हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल, या ये कह लीजिए बेटा, आप ये कह लीजिए कि क्रिस्टल को, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, जो क्रिस्टल है इसको आप
टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में, यानी क्रिस्टल जो है बेटा, इस क्रिस्टल को आप टू टाइप्स में डिवाइड कर दीजिए। एक को बोल दीजिए प्रिमिटिव या सिंपल बोल दीजिए क्यूबिक क्रिस्टल, और दूसरे को बोल दीजिए सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें आपके सभी आ जाएंगे। अगर सिंपल की बात करते हैं बेटा, सिंपल की बात अगर हम करते हैं तो सिंपल में हम देखेंगे किसको सिंपल बोलेंगे, कि अगर आपके पास क्यूब है बेटा, क्यूब है, डेट इज द क्यूब, आप क्यूब ड्रा कर लीजिए, और क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा, आपको पता है क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं। और अगर इस कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स, आयंस आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो डेट इज नोन एज द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और डेट इज द प्रिमिटिव। सिंपल सी बात है बेटा। तो अभी जब हम लोग ब्रेविस लैटिस में देख रहे थे, सिंपल की बात कर रहे थे, तो आप समझ गए कि सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल किसको कहते हैं, या प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल किसको कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर अगर क्यूब के कॉर्नर्स पे, सभी कॉर्नर्स पे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलेंगे सर डेट इज द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब बात आ जाती है सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का, सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल का। तो सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करेंगे बेटा, तो ये सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल आपको 3 टाइप्स को मिलेंगे। पहला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एंड थर्ड वन इज द इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो बेटा ये आप क्रिस्टल को, जो हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसको आप दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं बेटा, और सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, तो जहाँ पे सेंटर की बात आएगी वहाँ 3 टाइप्स आएंगे, और जहाँ सिंपल की बात आएगी बेटा वो आपको ये मिलेगा। तो सिंपल तो आप समझ गए, सिंपल को आपको डिफाइन करना है, तो आप बोल दो कि व्हेन द पार्टिकल्स आर एटम, आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, दैट इज नोन एज द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दैट इज द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। जहाँ पे कहाँ होंगे, अगर केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब आ जाइए सेंटर की बात करें, सेंटर की बात, तो अगर हम सेंटर की बात करें बेटा, अब हम सेंटर की बात कर लें, सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की बात अगर कर लें, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द एटम, आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, डेट इज नोन एज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बेटा सेंटर्ड को हम देख रहे हैं, तो सेंटर्ड में आप पहला समझा सकते हैं, पहला कहाँ पे, कि अगर सभी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज अगर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे सर डेट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। क्लियर है। थर्ड वन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्या होता है बेटा, देखो फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें, फेस सेंटर्ड का, तो आप बोल देंगे कि व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस, एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस। हाउ मेनी फेसेस हियर, यू नो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इस साइड, एक बैक वाले पे है और एक आगे वाले पे है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा फेस सेंटर्ड को, फेस सेंटर्ड को डिफाइन करना है, तो आप बोलेंगे कि व्हेन द
एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस दैट इज नोन एज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल दैट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड थर्ड वन इज द इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इंड की बात करें बेटा, अगर इंड सेंटर्ड की बात करें तो अगर इंड सेंटर्ड की बात करें तो बोलेंगे कि व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ इंड फेसेस, एट द सेंटर ऑफ इंड फेसेस इज नोन एज द इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बेटा अगर देखा जाए तो इंड सेंटर्ड भी फेस सेंटर्ड का ही पार्ट है। फेस सेंटर्ड में क्या कर रहे थे, सभी फेस पे ले रहे थे, और इंड सेंटर्ड में क्या कर रहे हैं, केवल उसके इंड वाले फेस पे ले रहे हैं, एज वाले यानी किनारे वाले पे ले रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर डेट इज द इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो अभी ब्रेविस लैटिस में हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्यूबिक होता है वो थ्री टाइप्स का रखता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल है वो थ्री टाइप्स के कौन कौन रखता है, तो सिंपल रखता है, बीसीसी रखता है और एफसीसी रखता है। तो सिंपल का क्या मतलब था कि जब किसी क्यूब के व्हेन द एटम आयंस आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, अगर केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे सर डेट इज द सिंपल। अगर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होगा, बेटा एक ही होगा सेंटर में, किसी भी बॉडी का सेंटर एक ही होगा, तो अगर बॉडी के सेंटर में है तो डेट इज द बॉडी सेंटर्ड, और अगर कॉर्नर के साथ साथ सभी उसके फेस पे है, सभी फेस के सेंटर पे है, तो डेट इज नोन एज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस तरह से क्यूबिक का थ्री टाइप्स आपको क्लियर हो गया। फिर आपने आर्थोराम्बिक का बोला कि फोर टाइप्स है, तो फोर टाइप्स में क्या क्या था, आर्थोराम्बिक में सिंपल था, बीसीसी था, एफसीसी था और इंड सेंटर्ड था। तो अब ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आपसे ब्रेविस लैटिस की बात की जाए, जो ब्रेविस हमने दिया था जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन से थे, तो उससे भी ये क्लियर हो गया कि जितने भी सेवन क्रिस्टल सिस्टम हमारे थे, जहाँ पे हमने पैरामीटर्स को देखा, यूनिट सेल के करेक्टरिस्टिक्स को देखा, तो सेवन टाइप्स के हमें क्रिस्टल मिले, यानी सेवन क्रिस्टल सिस्टम मिले, और इस सेवन क्रिस्टल सिस्टम के भी टाइप्स थे जो हमें 14 टाइप्स के मिले, और ये बात ब्रेविस साहब ने एक्सप्लेन किया, सो डेट इज नोन एज द ब्रेविस लैटिस। और ये जो 14 टाइप्स के क्रिस्टल मिले, ये 14 टाइप्स के क्रिस्टल के क्या क्या थे, ये जो टाइप्स थे ये मेनली फोर टाइप्स के थे। एक सिंपल आ रहा था, बीसीसी आ रहा था, एफसीसी आ रहा था और इंड सेंटर्ड आ रहा था। तो ये जो चारों थे, ये इनके बारे में भी हम जान गए कि सिंपल क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है और इंड सेंटर्ड क्या होता है। तो बेटा ये लेक्चर टू आपका ये कंप्लीट हुआ, आप इसमें ये क्लियर कर लिए कि पैरामीटर्स क्या हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ब्रेविस लैटिस क्या है, और साथ साथ ये भी समझ गए कि सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और इंड सेंटर्ड क्या है। साथ ही साथ आपने क्या देखा, ट्रिक को देखा कि कैसे आप तैयार कर लेंगे जो आपके सेवन क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें जो आपको ट्रिक बताया गया कि उसको कैसे आप याद करेंगे, सी टी ओ टी एच एम टी अगर इस लाइन को याद रखते हैं तो आप सभी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। अब अगले एपिसोड में हम इसके आगे देखेंगे कि ये क्यूबिक ही हमें पढ़ना है, आपका जो मेनली आपको जो स्टडी करना है क्यूबिक की ही बात करनी है, तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। डेट्स ऑल।